ऐसे लड़ाई में इंडल्ज मत होना, एंड अगर हो गए तो जो डूज में मैंने सेफ्टी वाला पॉइंट बताया था कि अपने पास कुछ शार्प चीज़ रखो वो मार दो फिर। अगर आप सोलो हो मेरी तरह तो आप जोस्टल या फिर हॉस्टलर, जो हमारी ट्रिप की कॉस्ट वगैरह रही है वो रही है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम वंश कपूर, ए के वी के व्लॉग्स। आई हैव ट्रैवल टू 45 कंट्रीज एट द एज ऑफ 20 एंड नाउ आई एम ट्रैवलिंग सोलो टू मनाली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो अब आपको मनाली दिखाते हैं एंड आज आपको बताते हैं डू एंड डोंट्स सोलो में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, मेल फीमेल दोनों के लिए। और तब तक आप मजे लो थोड़े मनाली के, फिर आपको बता रहे हैं डू एंड डोंट्स क्या क्या है सोलो ट्रैवलिंग के, और प्लस अपना ट्रिप का भी खर्चा बताऊँगा इस वीडियो में मैं कि क्या आया। बहुत मिनिमल ही है वैसे तो। सो बस वही है कि आप लोग अप एंड डाउन कर सकते हो दोनों खर्चों के लिए, तो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है आपको कितना करना है। एंड मनाली आ रहे तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग मॉल रोड छोड़ के काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। मॉल रोड के अलावा भी कि मनाली में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हो, तो जो यहाँ पे मैं गया था फिर लास्ट वीडियो में वो तो आप देख ही सकते हो क्या गया था, सारी अच्छी जगह थी वो जाने वाली थी। एंड होटल वगैरह आपको बुक कराना अगर आप सोलो हो मेरी तरह तो आप जोस्टल या फिर हॉस्टलर या फिर जिसमें मैं रुकूँ ATS ये भी करा सकते हो। और आओगे तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि डॉम पर रुकोगे तो ज़्यादा अच्छा है, डॉर्मेटरी होती है यहाँ पर, सस्ती भी पड़ती है, वो 800-900 पर डे का होता है उसमें, पर बेड का पर पर्सन। सो हॉस्टल के जो प्राइसेस वगैरह रहते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं वैसे तो, बट उसका प्राइस 800-900 रुपये पर बेड रहता है। एंड जो प्राइवेट रूम रहता है उसका 3000 से 3500 के बीच में रहता है। एंड जो जिसमें मैं रुका हुआ हूँ ATS ऑल टेरेन स्टे, ये भी काफ़ी फेमस स्टे है, मतलब यहाँ का बैक पैकर्स होटल है यहाँ का, क्योंकि हॉस्टल में अगर आप एक दो बंदे हो और उसकी ड्रोमेट्री लेते हो तो आपको काफ़ी सारे बैक पैकर्स मिल जाते हैं वहाँ पे, जो ऐसे घूमते वगैरह रहते हैं, आगे उनके और अच्छे अच्छे ट्रिप्स होते हैं, काफ़ी प्लान होते हैं, तो आपको उनके आइडियाज़ मिल सकते हैं, उनको आपके आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो आप लोग क्लब करके साथ में जा सकते हो, तो काफ़ी सही सीन रहता है वो। फाइनली गाइस, तो बात है हमारे डूज एंड डोंट्स वाले चैप्टर पे। तो डूज एंड डोंट्स हमारे ये रहने चाहिए कि मतलब डूज में तो मैं सबसे पहले डूज की लिस्ट में ये रखूँगा कि आपको हमेशा कोई ना कोई, ऑलवेज कीप अ पर्सन इन टच, हमेशा कोई ना कोई एक बंदा या फिर दो बंदे या मतलब एक दो बंदे ऐसे होने चाहिए आपके पास जिनको आप सारा का सारा वो मटेरियल भेजते रहो कि आप लोग कहाँ पे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फोटोज़ वगैरह उनके साथ हमेशा टच में रहो, ताकि कुछ भी XYZ आपके साथ कोई भी चीज़ होती है सोलो ट्रैवलिंग पे तो उनको एक तरीके से वो पता हो कि आप कहाँ पे थे और आपके साथ क्या हुआ है, तो मतलब एक उनको लीड मिल जाएगी फॉलो करने के लिए। क्योंकि मैं भी अभी यहाँ पे बाहर हूँ, सो मेरे को दो बंदे थे मेरे साथ ऑलरेडी जो जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। एंड सेकंड पॉइंट पे मैं रखता हूँ सेफ्टी को, कि आप जहाँ भी जा रहे हो बहुत आपको सेफली चलना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी है आपको, कि अगर जैसे कोई होटल वगैरह है आपका तो होटल आपके मेन सेंटर में पड़ना चाहिए, ऐसे कोई दूर जाके नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा दूर हो तो चल भी जाएगा। एंड आप आउट ऑफ इंडिया हो या फिर कहीं भी हो, ये सारी अप्लाई होती है सारी चीज़ें, एंड मेल फीमेल दोनों पे होती है सारी चीज़ें अप्लाई। एंड कीप समथिंग फॉर योर सेफ्टी, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ स्प्रे होना चाहिए, कोई नाइफ होना चाहिए या फिर एनीथिंग शार्प थिंग, शार्प चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपके पास कि जो आपको कुछ हो जाए तो आप एकदम, एंड वो एक्सेसिबल होनी चाहिए कि कुछ हुआ तो एकदम आप पकड़ के उसको आप कुछ कर सकते हो, मतलब उस चीज़ को निकाला या जैसे भी करके, ये नहीं कि आपने बैग के अंदर दो तीन जिप के अंदर आपने छुपा रखा है, आपको निकालने में लग गया और वो करके भी चले कुछ, तो एक्सेसिबल होना चाहिए आपको वो। कोई भी जगह जाते हो तो आपको ऐसे बड़े सारे लोग मिलेंगे जब आपको मतलब देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि सोलो को लोग बंदा सबसे ज़्यादा अपना टारगेट बनाता है कोई भी चीज़ होती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ पर नहीं फंसना, कोई आपको बुला रहा है कि आ जाओ मैम ये वाली शॉप पर चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ, और शॉप वो अंदर जाके नीचे कहीं है, या सर आप इधर आ जाओ आप ये ट्राई कर लो ऐसे वैसे, और वो कहीं कोने में ले जा रहा है, तो वो सारे स्कैम्स होते हैं। इंडिया की भी बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के बाहर की भी बात कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स हर जगह लेवाए होते हैं, सो उस चीज़ को देख के आपको अपने आप चलना। एंड थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट है ऑलवेज कीप योर कैश इन टू और मोर प्लेसेस,
कि मतलब आप जो भी आपके पास कैश है या वो कम से कम दो जगह पे, उससे ज़्यादा जगह पे होना चाहिए, कि एक तो आपने अपने पास रखा है और एक बैग में रख लिया, या एक ऊपर वाली पॉकेट एक नीचे वाली पॉकेट और थोड़ा सा कैश बैग में रख लिया, ताकि कोई भी चीज़ एक मिसिंग होती है या आपके पॉकेट में से कुछ जाता है या आपके बैग में से कुछ जाता है, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन हो आपके पास सेफ्टी के लिए, कि आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो उसको, कि अगर मेरी पॉकेट पे कुछ चला गया तो मेरे पास बैग है, बैग चला गया तो मेरे पॉकेट में है इतना कैश। तो डिवाइड रखो दो जगह पे या फिर दो से ज़्यादा जगह पे। एंड फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि यू शुड बी ऑलवेज बी अलर्ट, कि मतलब आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपनी सराउंडिंग से, एंड आप अपने सामान को लेके और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए हो, कि आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, कि कोई भी सामान आप भूलने नहीं चाहिए हो, और कोई भी सामान आप ऐसी किसी लापरवाही की वजह से आप कहीं छोड़ा या कुछ करा आपने, तो वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं करनी। कोई साथ होता है तो फिर भी एक बार मैनेज हो जाता है कि उसको याद रहे, आपको याद रहे, या फिर कुछ भूल गए तो दोनों ने इकट्ठे मैनेज कर लिया, बट अकेले आप कोई सामान भूल गए तो मोस्टली जब हम सोलो चलते तो हम ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सामान ही लेके चल रहे होते, कोई ऐसा एक्स्ट्रा सामान नहीं होता, क्योंकि हमें खुद ही उठाना पड़ता सारी चीज़ें। तो वो आपको वो देखना है कि अपना सामान आप कहाँ रख रहे हो और कैसे रख रहे हो। सो अब हमारा है फिफ्थ पॉइंट, मनी ट्रांजैक्शन इफ़ यू आर आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया। सो इसमें यह है कि आप इंडिया में कहीं जा रहे हो तो आपके पास कैश तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट मोस्टली ज़्यादा कैश चल रहा है, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ चलता है, बट कैश से आप रिलाई कर सकते हो कैश पे। बट इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया तो आपको ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर कोई भी ऐसा अमेरिकन कार्ड हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सको उनको, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आप पूरी तरह कैश पे रिलाई नहीं कर सकते, काफ़ी जगह कैश नहीं चलता। इंडिया में चल जाता है काफ़ी जगह, कोई ऐसी बीटी नहीं आती, कोई बहुत एक दो जगह हो तो हो। अब आ जाते हैं सिक्स पॉइंट पे, कि ऑलवेज मेंटेन योर लगेज प्रॉपरली, कि ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लगेज लेके जा रहे हो अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, कि मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, तो मैं सब ले जाऊँ, ऐसा नहीं होता, स्पेशली फॉर गर्ल्स कि ऐसा नहीं होता। सोलो ट्रिप पे आपको उतना ही लगेज लेके जाना है जितना आप कैरी कर सको, क्योंकि सोलो ट्रिप पे आपको मोस्टली होता है कि हम ऑलमोस्ट ट्रैवल कर रहे होते हैं सोलो ट्रिप पे बहुत ज़्यादा, मतलब हमें बहुत नई नई जगह जाना होता है, काफ़ी सारी जगह जितना हम ग्रुप में नहीं कर सकते उतना हम सोलो में कर लेते हैं। सो इतनी सारी जगह आपको लगेज कैरी करना और उसको संभालना, उसको बार बार पैक करना, सो अपना लगेज मिनिमम से मिनिमम जितना रख पाओगे उतना आप अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ़ बैग्स आप घर से गिन के लेके चल रहे हो, आपको पूरी ट्रिप में उतने नंबर ऑफ़ बैग्स गिनने हैं, तीन बैग लेके निकली हूँ घर से या निकला हूँ घर से तो तीन ही होने चाहिए वो, कहीं मतलब आप कहीं भी होटल छोड़ रहे हो, कहीं ऑटो से निकल रहे हो, कहीं बस छोड़ रहे हो, बस ले रहे हो, तो ऑलवेज चेक योर लगेज कि आपके पास वो तीन बैग, दो बैग, जितने भी बैग हैं वो हैं। सो हमारा सेवन्थ एंड लास्ट पॉइंट है ये, वैसे तो बड़े सारे पॉइंट हैं बट मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। सो सेवन्थ पॉइंट है हमारा ऑलवेज स्केड्यूल योर ट्रिप बिफोर हैंड, क्योंकि आप अगर आप सोचोगे कि मैं वहाँ जाके स्केड्यूल कर लूँगा या कर लूँगी तो वो नहीं होगा, आप सुबह आप ट्रिप घूम भी नहीं पाओगे एंड फिर आप पूरा दिन स्केड्यूल करते रह जाओगे और आप कहीं नहीं जा पाओगे, आपका अगला दिन भी जो है जो स्केड्यूल करने में जाएगा और जो रिसेंट है वो भी ख़राब जाएगा आपका। सो ऑल्दो सब पहले से प्लान करके आते हैं, बट मैंने ये गलती कर दी थी, मैं प्लान करके नहीं आया था, मैंने ही आगे करा था, क्या उल्टे कर दोगे तो वो सारे डोंट्स हो जाएंगे, और बाकी कुछ डोंट्स में ऐड होते तो मैं भी कर देता हूँ। सो अब आ जाते हैं हमारे डोंट्स वाले चैप्टर पे, कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए सोलो ट्रिप्स पे। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि नेवर एवर इंडल्ज इन अ फाइट, कि आप कहीं भी जा रहे हो तो लड़ाई को अवॉइड करो, थोड़ा सा ऐसे कि थोड़ा सा झुक के आप निकल सकते हो निकल जाओ, क्योंकि आप अकेले हो गए और सामने वाला कुछ लोकल हुआ या कोई अपने ग्रुप में हुआ, जो कि मोस्टली ग्रुप पे ही होगा, ग्रुप में ही होगा अपने, सो वो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आप फाइट में इंडल्ज हो गए तो आप पीछे संभालने वाला कोई नहीं होगा, आपको कहीं ले जाने वाला कोई नहीं होगा, कुछ बहुत ज़्यादा कोई सीन हो गया एंड लोग तमाशा देखते हैं, कभी भी हेल्प नहीं करते, तो इस बात को याद रखना कि कभी भी ऐसे लड़ाई में इंडल्ज मत होना। एंड अगर हो गए तो जो डूज में मैंने सेफ्टी वाला पॉइंट बताया था कि अपने पास कुछ शार्प चीज़ रखो वो मार दो फिर। एंड सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि डोंट बी रूड विद पीपल, कि आप कहीं भी जा रहे हो, होटल जा रहे हो, किसी कैफ़े जा रहे हो या कहीं भी आप बुकिंग्स करवाने जा रहे हो, तो बी ट्राई टू बी पोलाइट, रूड मत होना कि आप उनसे ख़राब करो, नेवर नोज कि बंदा आप रूड हो गए तो बंदा कब आगे पीछे से कुछ बदला ले लिया कुछ, वैसे कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है बट मेरे को लगा कि ये रख देना चाहिए कि आप हमेशा थोड़ा पोलाइट रह के बात करो तो इट्स गुड। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं आप कि नेवर गो टू प्लेसेस यू फील अनसेफ, कि आप कोई भी जगह है कि आप अनसेफ फील कर रहे हो तो उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आप होनी है कोई चीज़ तो नहीं टाल सकते, जहाँ पे वो चीज़ होनी है और फिर आप बोलो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा तो वो चीज़ नहीं है, आपको योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना कि
वहाँ पे थोड़ा अनसेफ है। कभी ग्रुप ग्रुप के साथ आओ, यू कैन श्योरली ट्राई, फिर तो भूतों वाली जगह भी देखो, कुछ भी करो, बट अकेले में ध्यान रखना। एंड फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि ऑलवेज थिंक ट्वाइस अबाउट योर डिसीजंस, क्योंकि आपने जो भी डिसीजन लिया है किसी भी जगह का, किसी भी कैफे का, कहीं भी ट्रैवल करने का, कोई भी ऐसे एडवेंचरस चीज़ करने की, तो थिंक ट्वाइस अबाउट योर डिसीजन कि वो सही चीज़ है या नहीं है। वहाँ पे कुछ होता है तो मेरे पास व्हाट्स माय प्लान बी, एंड वैसे तो कुछ नहीं होने देना क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट द सेफ्टी। आपको पीछे घर पे भी देखना सारी चीज़ें कि आपके घर पे पेरेंट्स वगैरह हैं, सारे सब लोग हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना। तो पर जब भी अगर आपको लेने का मन हो तो थिंक ट्वाइस अबाउट इट, रिसर्च ट्वाइस अबाउट इट, तो आपको कन्फर्मेशन हो जानी चाहिए उस चीज़ की कि वॉट आई एम डूइंग इज़ राइट। फिफ्थ पॉइंट पर आ जाते हैं अब कि नेवर गेट टू ड्रंक। जब भी आप अकेले हो तो कभी भी ऐसे बिल्कुल टल्ली होकर नहीं पीनी है, या फिर बिल्कुल अपने एन्जॉयमेंट के लिए पीनी है कहीं जा रहे हो तो। ऑब्वियसली आप भी अकेले हो, आपको बहुत भाग दौड़ होती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो आप लोग पी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट नेवर गेट टू ड्रंक ऑन योर सोलो ट्रिप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है फिर ड्रंक होने के बाद कि आपको अपना होश नहीं होता, आपका कोई कुछ सामान ले जाए, कुछ हो जाए, आपको ले जाए कहीं ऐसे मस्ती में। तो नेवर गेट टू ड्रंक, अपना ख्याल अपना खुद रख। एंड पॉइंट नंबर सिक्स में आ जाते हैं, नेवर टेक रिस्की पाथ्स। और ये वाला पॉइंट सारे पॉइंट्स पे लिवाए होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो एक रिस्क फैक्टर होता है, तो वो चीज़ आपने देखनी है। डरा नहीं रहा मैं इतने सारे पॉइंट्स बता के, मैंने डूज में बड़े सारे अच्छे पॉइंट्स बताया, तो डोंट्स में डोंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हो कोई भी रिस्की पाथ नहीं लेना, कि आपको लगता है कि ये जैसे दो रास्ते जा रहे हैं तो ये थोड़ा एडवेंचरस है, ये वाला कर लेता हूँ ऐसे वैसे। अगर आपके पास ग्रुप है, आप सोलो हो बट आपके पास ग्रुप है कि आप ऐसे किसी उस पर हो तो फिर चले जाओ, बट अगर आप बिल्कुल सोलो हो और रात का टाइम है कुछ है तो वो वाला पाथ अवॉइड करो, आपने नहीं जाना उस पाथ पे। एंड एक और लाइन बोलनी भूल गया, ऑलवेज डू योर डूज एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट योर डोंट्स। फाइनली गाइज द वेट इज़ ओवर, अब हमारी वेट इज़ ओवर नहीं, ट्रिप इज़ ओवर। तो वापस अब दिल्ली जा रहे हैं हम, एंड जो हमारी ट्रिप की कॉस्ट वगैरह रही है वो रही है 12,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फूड, ट्रैवल एंड होटल। होटल से मेरा थोड़ा ज़्यादा लगा है ऑनेस्टली, तो बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं लगा, दो दिन के मेरे 12,000 रुपये लगे हैं। होटल्स का इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि मेरे को डॉर्मेट्री में नहीं रहना था, मेरे को प्राइवेट रूम चाहिए था, इस चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को पड़ा, मेरे को अराउंड 4,000 समथिंग पड़े दो दिन के, 2,000 पर डे के। वैसे तीन दिन का ट्रिप था है, पर थर्ड डे पे आज होटल नहीं लिया, आज ट्रैवलिंग पे निकल जाएगा सारा दिन। तो ये वाला ट्रिप 10,000 समथिंग में हो सकता था पूरा, 2,000 रुपये फालतू हो गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी इसलिए होटल की वजह से लगे थे, बाकी एवरीथिंग वॉज गुड, सारा मतलब मिनिमल उस पर ही हुआ है। कोई भी ऐसे मैंने ये नहीं करा कि खुद से कम खर्चा करने की कोशिश करी है, बट अपने आप ही इतना ही हुआ है, इससे ज़्यादा कहीं पर था ही नहीं स्पेंड करने वाला। सो वापस दिल्ली के लिए बस कराई है मैंने जिंग बस, मेरे को 1,050 की बढ़िया वाली। एंड फाइनल गुड बायस टू मनाली, काफ़ी बढ़िया रहा मेरा, तो मतलब मेरा दोबारा मन शायद हो सकता है कि मैं सोलो आ जाऊँ, यहाँ नहीं है तो कहीं और, बाकी जैसा भी होगा जर्नी में साथ बने रहे, उसके लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, अपने रिव्यूज़ ज़रूर डालें, बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ का वो देख के। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।